हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। माय नेम इज योगिता सतीश सावड़े। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 5 मैथमेटिक्स लेसन नंबर 5 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है हमें 3/5 प्लस 1/5। अगर यहाँ पर एक स्ट्रिप बनती है ऐसी कि यहाँ पर हमने अगर स्ट्रिप बनाई और उसके 5 पार्ट्स बनाए, तो 5 पार्ट्स में से अगर हम यहाँ पर 2 पार्ट्स यानी कि ये जो स्ट्रिप है इसके 5 पार्ट्स हमने बनाए, और इस 5 पार्ट्स में से अगर हम यहाँ पर 3 पार्ट्स जो है वो कलर कर देते हैं, तो ये जो 3 पार्ट्स बचे रहे वो कलर कर दिए, तो फिर बचे कितने पार्ट? 2। और यहाँ पर हमने फिर से 1 पार्ट कलर कर दिया, तो 5 में से 1 कलर हुआ और ये 5 में से 3 कलर हुए, यानी कि कलर हुए पार्ट कितने हुए? फिर 3 + 5 = 1, यानी कि 3 + 1 कितने हुए? 4। एंड 4/5 ये हमारा आंसर यहाँ पर मिलता है हमें। जैसे कि कलर किया हुआ जो पार्ट्स है वो है 3, और यहाँ का कलर किया हुआ पार्ट्स है 1, तो 5 में से 3 को कलर किया है और इस 5 में से 1 को कलर किया है। अगर हम कलर पार्ट जो है वो अगर इकट्ठा करते ऑल टुगेदर करते हैं, इसकी एडिशन करते हैं, तो 3 + 1 होते हैं 4। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलता है 4/5। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें यहाँ पर दिया है, ऐड 4/9 प्लस 2/9 प्लस 1/9। तो यहाँ पर 3 नंबर्स यानी 3 फ्रैक्शंस की एडिशन हमें करनी है, तो 4 + 2 हुए 6 एंड 6 + 1 हुए 7, तो 7/9। तो आपको अगर ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर की एडिशन क्यों नहीं की, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस है और लाइक फ्रैक्शंस पे क्या होता है कि इसका डिनोमिनेटर सेम रहता है, और इसी वजह से इसका ऐसा नियम है, ऐसा रूल है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रखना पड़ता है, सिर्फ न्यूमरेटर की यहाँ पर एडिशन होती है। तो ये जो रूल है ये यहाँ पर दिया है आपको, व्हेन एडिंग लाइक फ्रैक्शंस वी एड द न्यूमरेटर ऑफ द 2 फ्रैक्शंस एंड राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज। तो ये जो 2 फैक्टर्स होते हैं उसके न्यूमरेटर के सिर्फ हमें एडिशन करनी होती है, और जो डिनोमिनेटर रहते हैं वो एज इट इज़ उन्हें रखने पड़ते हैं। इस तरह से हम मैंने यहाँ पर आपको ये डायग्राम निकाल कर ये समझा दिया था। अब आगे हमें यहाँ पर देखना है 3 नंबर, एड 2/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू। अगर हमें यहाँ पर 2 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5 की एडिशन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखेंगे, तो 2 + 3 कितने हुए? 5। तो 5/5 ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैसे हुए? सेम हुए, तो इसका वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1। जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो इसकी वैल्यू हम 1 लिखते हैं, इज इक्वल टू 1। तो इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर इक्वल, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। दैट इज़ वाई 4/4 इज इक्वल टू 1। 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू कितने हुए? 3/3। तो इसका भी वैल्यू बनता है यहाँ पर 1। 4/10 प्लस 6/10 इज इक्वल टू कितने हुए? 10/10। तो इसकी वैल्यू भी बनती है यहाँ पर 1। इस तरह से एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। अब आगे हमें देखना है यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 20। तो प्रॉब्लम सेट 20 में से हम 1 नंबर का एग्जाम्पल पहले सॉल्व कर लेंगे, एड 1/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू। अब हमें आकर क्या करना है, तो ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर में वैसे के वैसे यहाँ पर रखने हैं, तो 1 + 3/5 इज इक्वल टू 4/5। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है हमें 2/7 प्लस 4/7, तो 2 + 4/7 डिनोमिनेटर वैसे के वैसे यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो 2 + 4 हुए 6, तो आंसर मिला हमें 6/7। 3 नंबर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, 7/12 प्लस 2/12 इज इक्वल टू 7 + 2 हुए 9, एंड 12 जो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए वो वैसे के वैसे यहाँ पर लिखने वाले एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2/9 प्लस 7/9 इज इक्वल टू 2 + 7/9, इसमें यहाँ पर आंसर हमें मिलता है 9/9, तो 9/9 की वैल्यू बनती है यहाँ पर 1। इस तरह से 4 एग्जांपल्स मैंने आपको सॉल्व करके बताए। बाकी के जो एग्जांपल्स है 5 एग्जांपल्स 5, 6, 7, 8 एंड 9 वो आपको खुद सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर दिया है, वर्ड प्रॉब्लम है, मदर गेव 3/8 ऑफ 1 गवा टू मीना।
एंड 2/8 ऑफ द गवा टू गीता. व्हाट पार्ट ऑफ द गवा डिड शी गिव देम ऑल टुगेदर. तो एक गवा था मदर के पास, उसने उसके कितने पार्ट्स किए, गवा के 8 पार्ट्स बनाए, और 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स किसको दिए, मीना को, और 2 पार्ट्स दिए गीता को. 8 में से 3 पार्ट्स मीना को दिए और 8 में से 2 पार्ट्स दिए गीता को. इस तरह से यहाँ पर हमने लिख लिया पहले, इफ 3/8 ऑफ गवा टू मीना एंड 2/8 ऑफ द गवा टू गीता. देन दोनों को मिलकर कितने पार्ट्स दिए ये हमें यहाँ पर देखना है. तो 3/8 प्लस 2/8 इज इक्वल टू कितने हुए, 3 + 2 = 5. तो 5/8 यहाँ पर हमें आंसर मिला है. तो 5/8 पार्ट ऑफ ए गवा मदर गेव देम ऑल टुगेदर. उन दोनों को मदर ने कितने पार्ट्स दिए, फिर 5/8. अब आगे हमें देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है. द गर्ल्स ऑफ स्टैंडर्ड 5 क्लीन 3/8 ऑफ ए फील्ड व्हाइल द बॉयज क्लीन 1/4. व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड वॉज क्लीन ऑल टुगेदर. अगर स्टैंडर्ड 5 की जो गर्ल्स थी उन्होंने फील्ड का जो पार्ट था, तो 3/4 जो पार्ट था वो गर्ल्स ने क्लीन किया था, और 1/4 जो पार्ट है वो किसने क्लीन किया था, बॉयज़ ने. तो गर्ल्स ऑफ स्टैंडर्ड 5 क्लीन 3/4 ऑफ ए फील्ड एंड बॉयज़ क्लीन 1/4. अब हमें यहाँ पर इसकी एडिशन बनानी है, क्योंकि ऑल टुगेदर निकालना है ना, ऑल टुगेदर पार्ट्स कितना क्लीन हुआ. फिर इसलिए 3/4 + 1/4 इज इक्वल टू 3 + 1/4. तो 3 + 1 हुए 4, और 4/4 इसकी वैल्यू बनती है 1. इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो फील्ड है, पूरा का पूरा जो एरिया है, वो क्लीन हो चुका था. एंड दे क्लीन होल फील्ड ऑल टुगेदर. उन सब ने मिलकर, गर्ल्स और बॉयज़ ने मिलकर कितना एरिया साफ किया था, क्लीन किया था, पूरा फील्ड उन्होंने क्लीन कर दिया था. इसलिए हम यहाँ पर 1 आंसर आने पर यहाँ पर हम होल ए वर्ड यहाँ पर यूज़ करने वाले. नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. तो लाइक फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर. 4/5 - 1/5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हमें वैसे ही रूल का इस्तेमाल करना है जैसे कि हमने पहले किया था एडिशन के, कि जो डिनोमिनेटर रहता है वो वैसे के वैसे एज इट इज़ यहाँ पर रखना पड़ता है, और जो न्यूमरेटर रहता है उसकी सब्ट्रैक्शन होती है. तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3/5 यहाँ पर जो आंसर हमें मिलता है. तो व्हेन सब्ट्रैक्टिंग अ फ्रैक्शन फ्रॉम अनदर लाइक फ्रैक्शन वी राइट अ डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स इन द न्यूमरेटर एंड द कॉमन डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर. इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं कि डिनोमिनेटर के एडिशन हम न्यूमरेटर के एडिशन हम न्यूमरेटर पर लिखते हैं, और डिनोमिनेटर जो रहता है वो कॉमन रहता है, इसलिए वो एज इट इज़ हम लिखते हैं. आगे हमें देखना है प्रॉब्लम सेट 21. सब्ट्रैक्शन जो हमने देखी उस पर प्रॉब्लम सेट 21 हमें सॉल्व करना है. प्रॉब्लम सेट 21 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 5/7 - 1/7 इज इक्वल टू 5 - 1/7 इज इक्वल टू 4/7. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 5/8 - 3/8. तो 5 - 3/8 इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलता है 2/8. अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम हमें दिया है सेकंड नंबर. 7/10 ऑफ ए वॉल इज टू बी पेंटेड. रामू हैज पेंटेड 4/10 ऑफ इट. हाउ मच मोर नीड टू बी पेंटेड. अगर वहाँ पर जो वॉल थी उसका जो पार्ट है वो 7/10 पार्ट हमें पेंट करना था. अगर रामू ने उसका 4/10 जो पार्ट है वो पेंट कर दिया, तो बाकी कितना रहा, यानी कि पेंट करने का कितना बचा है, तो हमें यहाँ पर निकालना होगा. तो 7/10 ऑफ वॉल इज टू बी पेंटेड यहाँ पर पेंटेड होना चाहिए था. एंड रामू हैज पेंटेड 4/10 देयर फोर 7/10 - 4/10 इज इक्वल टू 7 - 4/10 इज इक्वल टू 3/10. इसका आंसर हमें मिला था 3/10 ऑफ ए वॉल नीड टू बी पेंटेड. तो 3/10 जो पार्ट है वॉल का वो पेंट करने का बाकी है. अब आगे हमें देखना है यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शन जो होते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता,
ऐसे फ्रैक्शंस के हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पर बनानी है। तो सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे, ऐड 2/3 + 1/6। तो यहाँ पर जो एग्जांपल हमें दिया है 2/3, तो हम क्या करेंगे फिर एग्जांपल समझने के लिए, यहाँ पर एक बॉक्स मैंने बना लिया, उसके 3 पार्ट्स बनाए, उसमें से 2 पार्ट्स को कलर किया, तो ये हुए 2/3, यानी कि कलर्ड पार्ट कितना हुआ 3 में से 2, तो 2/3 ये पार्ट हुआ। और अगर हमें 1/6 ए पार्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पर जो जो बॉक्स है उसके 6 पार्ट बना लेंगे, और 6 में से 1 पार्ट को कलर नहीं करेंगे और 5 पार्ट को कलर कर देंगे, तो बचे कितने 1, यानी कि 1 पार्ट जो है वो बिना कलर किया हुआ, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये बिना कलर किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने 1/6 ए बना लिया, तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके जो डिनोमिनेटर है सेम करने के लिए हम इसका 6 पार्ट बना सकते हैं। किस तरह से, तो इसमें ऐसे लाइन बनाकर हम 6 पार्ट बना सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर बनाए 6 पार्ट बना के, उसमें से जो 1 पार्ट मैंने यहाँ पर कलर करने का बाकी रह गया था वो यहाँ पर वैसे के वैसे रख दिया है, और जो कलर किया था उसमें बनाए 4 पार्ट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका फ्रैक्शन आएगा फिर 2/3, तो यहाँ पर आएगा 4/6, दैट इज़ टू बी 4/6 वी शॉल कलर द 1 मोर ऑफ द 6 पार्ट ऑन द स्ट्रिप, नाउ द टोटल कलर पार्ट इज़ 5/6, ये हुए 5/6। देयरफॉर 4/6 + 1/6, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए इस तरह से, तो इज़ इक्वल टू 5/6, क्योंकि 4 + 1 हुए 5, तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलता है 5/6, दैट इज 2/3 + 1/6 इज इक्वल टू आंसर मिलता है हमें 5/6। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें यहाँ पर दिया है 1/2 + 2/5, तो हियर द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द 2 डिनोमिनेटर इज 10, सो वी शॉल चेंज द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन टू 10। तो ये जो दोनों फ्रैक्शन है उसका हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 10 बनाना है, और इसलिए हम यहाँ पर बनाएंगे 10, तो 1 × 5/2 + 2 × 5/2 + 2 × 2/5 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर आंसर मिलता है 5/10 + 4/10 इज इक्वल टू 5 + 4/10, तो आंसर यहाँ पर मिलता है 9/10। इस तरह से हमने एग्जांपल सॉल्व किए, इस तरह से जो एडिशन के एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए डिनोमिनेटर सेम करके, वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल भी डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया है प्रॉब्लम सेट 22, तो एडिशन करनी है हमें 1/8 + 3/4 की। लेट अस मेक 8 द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, क्योंकि ये जो 8 है ये 4 के ट्वाइस पर आता है, इसलिए हम यहाँ पर 8 उसका कॉमन डिनोमिनेटर बनाने वाले हैं। तो 1/8 + 3/4 इज इक्वल टू 1/8 + 3 × 2/4 × 2 इज इक्वल टू 1/8 + 6/8 इज इक्वल टू 1 + 6/8, तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलता है 7/8। एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाली हूँ, 2/5 + 1/3, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर इज 15, 3 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल है वो है 15, इसलिए हम उनका जो डिनोमिनेटर है वो चेंज करके क्या बनाने वाले हैं 15, सो वी शॉल चेंज द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन टू 15, देयरफॉर 2/5 + 1/3 इज इक्वल टू 2 × 5/3 + 1 × 5/3 इज इक्वल टू 6/15 + 5/15, देयरफॉर इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलता है 6+5/15 इज इक्वल टू 11/15। इस तरह से हम यहाँ पर एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है सब्ट्रैक्ट 3/10 - 1/20, हियर 20 इज ट्वाइस ऑफ 10, तो 20 जो रहता है वो 10 के 2 नंबर पर, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है, उसके ट्वाइस आता है, देयरफॉर सो वी शॉल चेंज द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन टू 20, देयरफॉर 3/10 - 1/20 इज इक्वल टू 3 × 2/10 - 2 -1/20, देयरफॉर 6/20 - 1/20।
इस तरह से हमने डिनोमिनेटर सेम करके इसका आंसर यहाँ पर सॉल्व किया है 5/26 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर मिलता है यहाँ पर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 4/6 - 3/5 द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो डिनोमिनेटर है 6 और 5 उसके कॉमन मल्टीपल हम यहाँ पर ढूंढने वाले हैं, तो यह है 30। तो सो वी शॉल चेंज द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन टू 30, देयर फॉर 4/6 - 3/5 इज इक्वल टू 4 × 5/5 - 3 × 6/5। इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलता है 4×5 = 20, 20/30 - 18/30। तो 20 में से अगर 18 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर मिलता है हमें यहाँ पर 2/30। इस तरह से एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। तो प्रॉब्लम सेट 20 तक 22 तक के एग्जांपल्स आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करने हैं।